इवनिंग हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरी वन आई एम सोनाली योर रीवियस टीचर और आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे क्लास में वो एवरी डे की तरह हमें अपना थम्सअप शो करते जाएंगे कि आप जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है जब कई लोग पहले से ही जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो ये इंतज़ार मुझे रहता है और क्लास लेते लेते कई बार तो मुझे याद नहीं रहता है कि कितना टाइम बीत चुका है जो जो जुड़ते जाएंगे वो प्लीज़ अपना थम्सअप शो करेंगे शाहिन जी का थम्सअप आ गया गुड इवनिंग शाहिन जी शाहिन जी हमारी रेगुलर स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा है और रेगुलर जुड़ने का बेनिफिट भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं आ, सभी के जुड़ने का मैं बिल्कुल ऑन द टाइम आ जाती हूँ आप लोगों के पास और थोड़ा सा दो तीन मिनट हम वेट कर लेते हैं फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और आज की जो है हमारी क्लास हमारा अब लास्ट टॉपिक चलेगा जो दो दिन में ख़त्म हो जाएगा शॉर्टली उसको करा रही हूँ क्योंकि फिर हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके अंदर डेप्थ हम जाएंगे डेप्थ में गहराई में जाके उसको हम शुरू करेंगे तो माही जी का भी आ गया गुड इवनिंग माही जी शुरू के दो तीन मिनट थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि सभी जो मेंबर्स हैं हमारे वो जुड़ जाएं हमारे साथ बट यही बात है कि अगर सभी बिल्कुल टाइम से आ जाएं तो हमारे ये तीन चार मिनट भी ख़राब ना हो। पर मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल छः बजे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ बट कभी कभी होता है यहाँ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं वाईफाई की अक्सर यहाँ पे दिक्कत आती है जहाँ पे मैं रहती हूँ तो बारिश भी एक्चुअली काफ़ी हो जाती है सडनली जिसके कारण वाईफाई इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण हमारी क्लास कभी कभी नहीं हो पाती है इसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ माफ़ी मांगना चाहती हूँ इसके लिए कि हमारी क्लास कभी कभी नहीं हो पाती है बट टेक्निकल इशूज़ में हम कुछ कर नहीं सकते सोनू जी गुड इवनिंग तो निधि जी भी आ गई हैं गुड इवनिंग निधि जी और पूजा जी का वेट कर लेते हैं आज पूजा जी नहीं आई आशुतोष जी बहुत दिन बाद आप नज़र आए हैं आपने नक्शे के लिए पूछा था मैंने नक्शा भी बता दिया अराल सागर कहाँ हैं वो भी बता दिया आप बिल्कुल गायब हो गए थे पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए मुझे याद है आपने पूछा था हाँ निखत जी भी आ गई हैं लालती जी आ गई हैं अंशु जी वेरी गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अब हुई ना बात अब लग रहा है कि कोई आ गए हैं आ, ये एप्पल्स क्यों भेजे जा रहे हैं क्या बात है एप्पल भेजने का क्या कारण है अच्छा अच्छा ओके आशुतोष जी एग्ज़ाम में बिज़ी थे तो आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए आशुतोष जी बहुत अच्छा तो अभी लास्ट जो हमारी वीडियोस आपने मिस कर दी हैं उसको ज़रूर देखिएगा ओके और अच्छी बात है कि आप साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और देना भी चाहिए तो फिलअप फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई एम सोनाली योर रिवियस टीचर और आज सबसे जो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं तो आज हमारा जो सी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसके तहत जो हमारा मोड रहेगा एग्जामिनेशन का दैट इज़ ऑनलाइन ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम्स हमारे होंगे ठीक है आ, सबसे पहली चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे सेकेंड चीज है कि आपके फॉर्म भरने के ऊपर कि फॉर्म भरने की डेट क्या है तो दिवाली के बाद आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर दो हजार बाईस ठीक है 31 अक्टूबर दो हजार बाईस से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक के बीच में मतलब ये जो हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम मिल जा रहा है चौबीस पच्चीस दिनों का इसमें आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है 31 अक्टूबर 2022 से 24 नवंबर 2022 के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये ओपन रहेगा इतने दिनों तक इतने दिनों के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी काफ़ी लंबा टाइम है और एग्ज़ाम की जो डेट है उसके लिए उन्होंने फाइनल डेट नहीं दी है लेकिन बताया है कि जो दिसंबर ट्वेंटी टू से लेकर के जनवरी ट्वेंटी थ्री तक मतलब इन दो महीनों के बीच में हमारा एग्जाम जो है वो हो जाएगा ठीक है यहाँ तक सभी को क्लियर है ओके लालती जी थैंक यू मेरी सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ, ऐसे तो कोई सेहत में प्रॉब्लम नहीं हाँ मेरा गला कभी कभी थोड़ा सा आ, आप सुनते होंगे कि थोड़ी आवाज़ में क, 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 मतलब करकश हो जाती है थोड़ी सी आवाज़ मुझे गला ठीक करना पड़ता है बस यही दिक्कत कभी कभार होती है मेरे साथ बाकी आई एम फुल्ली ओके और आप लोगों को पढ़ाती हूँ आप लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि मेरे अंदर वैसे ही एनर्जी आ जाती है तो इसलिए नितेश जी एक्चुअली कल जुड़े थे हमारे साथ मैं उनकी बात करना चाहूंगी आज अभी तक हमारे साथ नितेश जी जुड़े नहीं हैं जब मैं क्लास मैंने लगभग ऑफ कर दी थी तभी उन्होंने मैसेज किया था कि टेलीग्राम पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ये एक दिक्कत आ रही है ठीक है तो ये जो दिक्कत है आप लोगों की इसके लिए आप लोग दोबारा से एक बार और ट्राई करें उस लिंक पर मे भी कोई गलती आपसे हो रही है क्योंकि इतने लोग जब हमारे ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको अलग से क्यों दिक्कत आ रही है तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान से आप कोशिश करिए एक दो बार और ट्राई करिए उस लिंक पर जा करके और फिर उस पर आप क्लिक करिए ठीक है तो मैंने इसके लिए बात भी की थी सर से तो उन्होंने कहा कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो रही होगी जिसके कारण ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे तो ये नितेश जी के लिए मैसेज मैं छोड़ रही हूँ मे बी आज वो क्लास में शायद नहीं है कल बहुत नाराजगी वाला एक इमोजी भी उन्होंने भेजा था मुझे बट क्लास अब तक ऑफ हो गई थी तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई ठीक है तो रूपाली जी गुड इवनिंग और आठ लोग जो बचे हुए हैं वो भी प्लीज़ ओके ओके निधि जी मेरे बिहाफ में लाइक करने भी बोल रही हैं स्टूडेंट हों तो ऐसे हाँ हाँ पी डी भी आपको मिल जाएगी बहुत जल्द मे बी ट्वेंटी सेवन तक पी हम पूरा ही दे देंगे आपको अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं ना वो पूरी पी डी इकट्ठे आप लोगों को मिल जाएगी तो वो आप डाउनलोड करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा पिछली वीडियोस की और वीडियोस जिस डेट की रहेंगी उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको पी डी भी मिलेगी ठीक है तो थोड़ा सा हम वापस अपने ट्रैक से हो गए थे फिर से चले जाते हैं अपने ट्रैक पर तो हमारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो जो है दिसंबर में रहेगा दिसंबर से जनवरी के बीच में चलेगा और एक जो ख़ास बात है वो है फीस से रिलेटेड तो देखिए फीस के लिए इसमें ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जनरल और ओ कैटेगरी के, के जो बच्चे होंगे एग्ज़ाम के लिए वो अगर एक पेपर सिंगल पेपर देते हैं या तो वो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या सेकंड पेपर दे रहे हैं तो उनको जो फॉर्म के चार्जेस हैं वो एक हज़ार रुपये देने होंगे लेकिन अगर वो दोनों ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर बोथ तो उनको बारह सौ रुपए देने होंगे ठीक है फॉर्म के लिए और अगर एस टी एस सी या फिर वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सिंगल पेपर के लिए चाहे वो पेपर वन हो या टू हो अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पांच सौ भरने होंगे और अगर वो दोनों ही भर रहे हैं तो उनको छह सौ इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझिएगा और टेलीग्राम पर जो है ये नोटिफिकेशन भी आपको भेज दी गई है प्लीज़ चेक ज़रूर करिएगा ठीक है तो जो बच्चे टेलीग्राम पर हैं वो इसको चेक ज़रूर करेंगे कि आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें और लिखी हुई हैं जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो देखिए बी के एंट्रेंस के लिए आपको बेसिकली देखिए यही सब आपको सी का एक देखना पड़ेगा और ये आप जो क्लासेस ले रहे हैं ना ये भी आपके बी में हेल्पफुल होंगी आप पहले से क्या टीचिंग कर रही हैं लालती जी अगर आप पहले से टीचिंग कर रही हैं तो आपको मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो टीचिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उसी से रिलेटेड मेन जो होता है वो बच्चों से केंद्रित होकर के जो बाल केंद्रित जो क्वेश्चन होते हैं वही उसमें पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों का भला हो भले टीचर का उसमें भला हो या ना हो लेकिन उसमें बच्चों को बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो रहा है इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है तो बीएड के एंट्रेंस के लिए बहुत सारी बुक्स मिलती है ऐसे तो लेकिन अगर आप टीचिंग कहीं पहले से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता क्योंकि हमने जब किया था तो मैंने कोई बुक्स वगैरह उस टाइम तो खैर एंट्रेंस भी नहीं था डायरेक्ट एडमिशन ही मेरी हुई गई थी तो इसलिए ऐसे आपको कभी कुछ अरिहंत की बुक हाँ अच्छी रहती है अरिहंत की तो सभी तरह के आप सी के लिए भी देखेंगे तो बहुत अच्छी नेट के लिए भी अच्छी रहती है ट्राई कर सकते हैं बट अगर आप पहले से टीचिंग कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा आइडिया आपको खुद ही होगा क्योंकि आप सी की क्लास भी अटेंड कर रही होंगी आई थिंक तो सी में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा मेन उसी में आपको दिक्कत आएगी और सब्जेक्ट वाइज आपके कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो कोई खास ऐसा परेशानी वाली बात नहीं होगी कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि टफ होगा आपके लिए ठीक है और आपको जैसे मैंने देखा है आप आंसर वगैरह करते हैं तो इनफ आई क्यू है आपके पास तो लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेक ईजी अपने आप को बिल्कुल ईजी रखिए और एग्ज़ाम दीजिए अरिहंत की वैसे अच्छी रहती है बुक ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हैं हाँ तो आंसर देखिए एक चीज़ है कि निधि जी का भी कहना चाहिए कि आंसर कई बार गलत होते हैं आंसर एक्चुअली क्या होता है मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका राइट आंसर एक ही होता है और कुछ के आंसर इस तरह से होते हैं कि वो राइट आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल में बताया ज्यादातर ये जो आ, मतलब शिक्षा शास्त्र से जुड़े जो क्वेश्चन पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें ये चीजें ज्यादा होती हैं कई बार एक से ज्यादा आंसर होते हैं जैसे एक एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे कहती हूँ की जैसे आ, बिहार की राजधानी क्या है तो बिहार की राजधानी पटना है ये सभी जानते हैं और कोई राजधानी उसकी है क्या नहीं है है ना तो ये एक फिक्स आंसर है कि यही आंसर होगा लेकिन कई में आंसर जो है वो वेरी करते हैं चेंज होते हैं आंसर तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसको भी हमें समझना है आगे जो मैं क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी उसमें भी ये चीजें आएंगी कई बार आपको लगेगा कि अभी तो हमने पढ़ा था तो ये आंसर था लेकिन अब ये आंसर है तो ये भी आंसर भी कई बार वेरी करते हैं और कई बार भी गलत भी दिया होता है आंसर ठीक है डॉक्टर साहब गुड इवनिंग एनसीआरटी का बुक अच्छा होता है हाँ एनसीआरटी की आपकी सीटेट में पूरा एनसीआरटी से ही आता है ठीक है ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं और फिलअप फॉर्म के साथ जुड़ने से जो आपको फायदा है वो ये है कि सीटेट की जो हमारी ग्रुप है ये आपको सुबह से लेकर रात तक पूरी टीचिंग दे रही है जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बताना हमारा जरूरी हो जाता है वर्षा मैम जो हैं वो नाइन ओ से हमारी क्लास लेती हैं सोशल स्टडीज की चंद्रशेखर सर जो हैं वो दस बजे से लेते हैं मैथ्स की क्लास सुखवंती मैम इंग्लिश लेती हैं वन पी से सी की क्लास लेती हैं रितु मैम थ्री पी से और आरती मैडम हिंदी की क्लास लेती हैं टेन पी से और आई एम सोनाली योर रीवियस टीचर और हमारी टाइमिंग है सिक्स टू तो सेवन पी जो अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठीक है हेलो एवरीवन, और सबको हेलो है सबको बहुत बहुत वेलकम है फिलअप फॉर्म में और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है कि आप सभी चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं और आशा करती हूँ आप आखिरी तक वीडियो में बने रहेंगे ठीक है आज की वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो ये लाइव सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर सी की तैयारी जो है आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है आपके कुछ पैसे नहीं लगते हैं क्लासेज में आने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना होता है चैनल को और इसमें आपको सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं पीडीएफ भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हमारा है थिंग्स वी मेक एंड डू ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक बार सिलेबस की तरफ देख लेते हैं हम ध्यान से कई बच्चों को थोड़ा सिलेबस में कंफ्यूजन रहता है तो हमारे साथ कुछ नए बच्चे एवरीडे जुड़ते हैं जिन्हें मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है तो देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट थीम है या फर्स्ट टॉपिक है जिसके सब थीम्स या सब टॉपिक्स हम कह सकते हैं रिलेशनशिप वर्क एंड प्ले एनिमल्स और प्लांट्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड इज़ फूड ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है वाटर ऑल्सो कम्प्लीटेड शेल्टर मतलब आश्रय ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्रैवल अभी, अभी अभी हमने कंप्लीट किया है और आज हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक है थिंग्स वी मेक एंड डू देखिए अभी तक जो हमने टॉपिक किया है वो टॉपिक वाइज तो हमने पढ़ लिया है उसमें जो जो चीज़ें थी सरसरी रूप से हमने देख लिया है लेकिन ये टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है थिंग्स वी मेक एंड डू ये हमारा आ, आज और कल चलने वाला है तो आज हमारा हो गया थर्सडे कल फ्राइडे है इन दो दिनों में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सैटरडे जो है हमारा एम होगा लास्ट सैटरडे मैं टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जुड़ नहीं पाई थी तो हमारा एम नहीं हो पाया था अब हमारा एम जो है वो चलेगा और फिर दिवाली की छुट्टियाँ आई थिंक बीच में पड़ जाएंगी दो चार दिन की बात रहेगी उसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें मोस्टली हम एम ही करेंगे और रिलेटेड टू क्वेश्चन जहां जहां हमें डीप नॉलेज की जरूरत होगी मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्लियर कराती रहूंगी ठीक है तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कोई बात नहीं माही जी अगर आपने कोई थीम छोड़ दी है आपसे छूट गई है तो वो सारा आपको वीडियो में मिल जाएगा आप सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है तो आपको वहाँ मिल जाएगा और कुछ दिन में आपको जो पी मिलेंगे उसमें वीडियो के लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी तो अगर उसमें भी आपको दिक्कत होगी ना उसी के लिए मैं भी काम कर रही हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में नहीं तो ये हो जाएगा कि पी किसी और चीज़ की मिल रही है वीडियो की लिंक कोई और मिल रही है ऐसा ना हो तो वो चीज़ें मुझे चेक करके आपको भेजनी होंगी तो उस पर भी मैं अभी वर्क कर रही हूँ देखिए एक घंटे की क्लास होती है पर इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है कंटेंट के लिए हम मेहनत करते हैं हम सोचते हैं कि किस ढंग से आपको समझाया जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं और क्लास को समझने की कोशिश करते हैं लास्ट थीम के बारे में हम तो देखिए थिंग्स वी मेक एंड डू हमारा जो लास्ट थीम है उसमें से अभी मैंने सिर्फ लिया है थिंग्स वी मेक क्या क्या हम बनाते हैं जो चीजें हम बनाते हैं तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मशीनों से तो आजकल बहुत कुछ बनाया जा रहा है लेकिन हम अपनी जो पारंपरिक जो कला है वहां से हमने आज शुरुआत की है कि क्या क्या चीजें हम बनाते हैं ये क्योंकि बहुत खास है और इनमें से क्वेश्चंस जो है आते हैं ठीक है हाँ जी नितेश जी गुड इवनिंग कल आप बहुत नाराज़ हो रहे थे टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मैं समझ रही हूँ बट आप एक बार और ट्राई करिए मे भी आपने शायद गलत लिंक दबा दिया होगा जिसके कारण आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो एक दो तो बार और ट्राई करिए और लिंक को सही लिंक चूज़ करके प्रेस करिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा वहाँ आपको लिंक दी हुई है तो थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा है किसी से अगर हेल्प ले सकते हैं आसपास से तो थोड़ा सा हेल्प ले करके आप ज्वाइन हो जाइए तो क्योंकि सभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो लिंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसको एक बार और चेक करना होगा ठीक है नाराज़ होने की बात नहीं है नितेश जी रेगुलर क्लास अटेंड करिए ठीक है तो कुलदीप जी मैम मुझे सीटेट देना हाँ जी सीटेट दीजिए सीटेट वन की आ, पेपर वन की जो है ई मैं यहाँ ले रही हूँ और वीडियो को शुरू से देखिएगा अगर आपने बीच से ज्वाइन किया है शुरू से देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी तो अब स्टार्ट करते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम देखते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है कला और शिल्प ये हमारा जो पारंपरिक रूप से हम देखेंगे तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है जो हम कर रहे हैं अगर हम पुराने समय में देखें तो बहुत सारे ऐसे मंदिरों में कला और शिल्प के आपको जो नमूने हैं वो देखने को मिल जाते हैं और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब टाइप्स वेराइटीज बहुत मिलती हैं विभिन्न प्रकार आपको दिखाई देंगे है ना बहुत सारे तरह के आपको मतलब डाइवर्शन इतना दिखाई देता है इतने तरह के होते हैं चीजें कि आपको उसको क्लासिफाई करने में भी जो बहुत अच्छा जानकार ना हो उसको वो क्लासिफाई भी नहीं कर सकता है मतलब उसके प्रकारों को भी नहीं बांट पाता है तो कई चीजों को हम जैसे मंदिरों को ही देखते हैं तो उसमें कई तरह की कला होती है पत्थरों को काटने में भी किस तरह के पत्थर को लिया गया है किस तरह से उसकी कटिंग है किस तरह से उसमें पेंटिंग है ये सब चीज़ को देख करके वो बता देते हैं जो जानकार होते हैं कि ये कहाँ की शिल्पकला है है ना तो इस तरह से इतनी विविधताएं हैं इतना डाइवर्सन है इस चीज़ में कि हम खोजते ही रह जाएंगे और पढ़ते ही रह जाएंगे इतनी चीज़ें हैं जानने को तो इन इंडिया डाइवर्स काइंड ऑफ कल्चर जो भारत है हमारा वहाँ विविध प्रकार की संस्कृति और कला जो है वो पाए जाते हैं ईच रीज़न ऑफ द कंट्री हैव सम यूनिक एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट टू ऑफर हर प्रदेश में देखेंगे आप हर देश के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखेंगे एक तो हमारे प्रदेश भी इतने सारे हैं वहाँ की इतनी बोलियां हैं पहनावे हैं वहाँ के तरह तरह के फूड आइटम्स हैं मतलब एक अलग ही पहचान है हर जगह की आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहाँ की ड्रेसअप इतनी सुंदर होती है वहाँ के किले इतने सुंदर होते हैं वहाँ का खान पान कुछ डिफरेंट होता है वहाँ की बोली अलग होती है आप उसको छोड़ के अगर साउथ में कहीं जाते हैं तो साउथ में भी आपको आ, केरला में आप जाएंगे तो वहाँ की कुछ जो ड्रेसेस हैं वो बहुत साड़ियाँ बड़ी सुंदर वो लोग क्रीम कलर की साड़ियाँ बॉर्डर वाली पहनते तो ये एक मतलब अलग से पहचान होती हैं आप बंगाल साइड चले जाइए वहाँ की उन लोग की वो भी वाइट साड़ी होती पर रेड बॉर्डर होती है तो एक अलग पहचान हर जगह हम देखते हैं अभी हमने देखा कि गुजरात में डांडिया फेमस है तो वहाँ का आप देखिए ड्रेसअप तो ये हमारे जो है अनेकता में एकता का ही हमारा देश जो है वो परिचायक है तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे देश में हैं और विभिन्न प्रकार की हैं तो अभी पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि पेंटिंग जो है द ट्रेडिशनल ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग ये जो हमारी जो परंपरा है ट्रेडिशन मतलब परंपरा जो है पेंटिंग की ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है अभी से तो है नहीं द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज़ बीन कैरीड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस एंशियंट टाइम बहुत प्राचीन काल से जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा है उसमें चित्रकला की जो परंपरा है वो चली आ रही है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग आर गिवन बिलो अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ दिखाने वाली हूँ इसमें पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाऊंगी कुछ इसमें उसके बारे में बताऊंगी भी आप लोगों को तो उससे क्या होगा कि आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ किस किस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो हैं तो शुरू करते हैं चित्रकाठी पेंटिंग ओके नितेश जी लिंक भेज दीजिए मैं एक बार और देखती हूँ क्या हो सकता है ठीक है आप बने रहिए लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे नाराजगी से नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है और मैं देखती हूँ कि किस तरह से और लिंक को सही किया जाए जिससे कि अगर किसी और को भी दिक्कत और भी क्या किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है नितेश जी के अलावा प्लीज़ मुझे बताएं और किनको किनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है अगर और भी किसी को हो रही है आ, मुझे नितेश जी आप एक बात बताइए कि आपने टेलीग्राम जो है वो डाउनलोड किया हुआ है ना ऐसा तो नहीं है कि आपने टेलीग्राम में आप हैं ही नहीं जैसे व्हाट्सएप में आपको खुद होना होता है तब आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम जो है खुद ज्वाइन करना होगा आप टेलीग्राम में हैं ना तो मैं देखती हूँ और क्या हो सकता है कि आप रोहित जी नहीं हैं आपके okay. रोहित जी आप टेलीग्राम में आ जाइए प्ले स्टोर के थ्रू जैसे हमने व्हाट्सअप हम जैसे ओपन करते हैं ना हम खुद व्हाट्सएप पे होते हैं हमारा अकाउंट होता है व्हाट्सएप पे उसी तरह से हमें टेलीग्राम पर भी होना है तो जो ऑलरेडी हैं टेलीग्राम पर बस उनको वो लिंक प्रेस करते ही वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं जैसे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं सेम वही प्रोसेस है ठीक है टेलीग्राम पे एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो लंबे वीडियोस भी होते हैं पी होते हैं वो आपके आराम से चले जाते हैं और व्हाट्सएप में उतने लंबे जो हैं आपके जाते नहीं हैं कभी मुझे कोई लंबी वीडियोस आपको भेजनी होगी तो वो भी उसमें ढाई मिनट तीन से ज़्यादा हो जाएगी तो वो वीडियो भी नहीं जा पाएगी उसमें व्हाट्सअप में ये दिक्कत होती है बट टेलीग्राम में ये सब इशू नहीं आते हैं आपको लंबे लंबे पी आप भेजिए नोट्स भेजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ट्राई करिए कि अगर आप ओके नितेश जी हैं ठीक है देखिए एक बार और ट्राई करके देखिए फिर मैं भी देखती हूँ कि क्या हो सकता है आपको ज्वाइन कराने के लिए ठीक है चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं चित्रकाठी पेंटिंग सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है जिसका नाम है चित्रकाठी पेंटिंग थ्रू दिस पेंटिंग स्टोरी इज डेपिक्टेड इन द पेंटिंग ओनली नेचुरल कलर इज यूज देखिए इसमें खास बात यही होती थी जो हमारे प्राचीन काल में जो चले आ रहे थे उनमें खास बात यही होती थी कि जो पेंटिंग्स होती थी वो ज़्यादातर नेचुरल कलर से होती थी क्योंकि केमिकल्स तो उस टाइम थे ही नहीं सीधे आपको ये याद रखना है कि केमिकल तो थे ही नहीं केमिकल तो अब धीरे धीरे बनाने लगे है ना जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है एनवायरमेंट को हम खराब कर रहे हैं लेकिन पहले के समय में ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था क्योंकि केमिकल तो थे ही नहीं तो वो क्या करते थे पेड़ पौधों से जैसे अलग अलग तरह के पत्ते लेते थे उनसे हरे रंग निकालते थे फिर नील आप जानते ही हैं नीले रंग के लिए उसका यूज़ करते थे लाल रंग के लिए कत्थे का यूज़ करते थे जो पान में आप देखते हैं लाल रंग के लिए यूज़ होता है उसका प्रयोग करते थे पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग करते थे सफ़ेद रंग के लिए चावल का जो घोल होता है उसका प्रयोग किया जाता था तो इस तरह से फिर इन रंगों को आपस में मिला करके और नए रंग बनाए जाते थे तो शेड्स तैयार किए जाते थे जिसको कहा जाता है तो इस तरह से अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं पुराने समय की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि आप देखेंगे कि जो नेचुरल कलर्स हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है ठीक है क्लियर हो गया यहाँ तक आपको नेक्स्ट जो है आपका है कलमकारी पेंटिंग कलमकारी पेंटिंग में देखेंगे कि दिस पेंटिंग बिलोंग टू आंध्र प्रदेश चित्रकाठी आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और जो आपकी कलमकारी है वो कहाँ से है आपकी आंध्रा से ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें आप छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट बना के रखिए मैं तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ कि फ्लो चार्ट आप लोग बनाना जानते ही होंगे नहीं अगर जानते हैं तो किसी दिन वो तरीका भी मैं आप लोगों को इसमें शो कर दूंगी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि, कि किसी भी टॉपिक को लेके आप फ्लो चार्ट या माइंड मैप जिसको कहते हैं वो भी आप बना सकते हैं आ, अगर आप चाहते हैं तो उस पर एक छोटी सी वीडियो मैं किसी दिन वीडियो में अपने क्लास में ऐड कर दूंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं तो उसमें क्या करेंगे आप छोटे छोटे आप बॉक्सेस बना लीजिए एक लाइन बनाइए और उस पर छोटे छोटे बॉक्स ऐड करिए उसमें चित्रकाठी पेंटिंग लिखिए आप कलमकारी पेंटिंग लिखिए मधुबनी लिखिए ऐसे अलग अलग जो हमारे पेंटिंग के टाइप्स होते हैं उनको लिख लीजिए और फिर उनको अलग अलग कलर से आप कलर करके रखिए आप एक झटके में जब उसको देखेंगे तो आपको सारे याद भी रहेंगे ये क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं पिक्चर्स होते हैं ये हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ पिक्चर्स जरूर ऐड करती हूँ ये याद रहते हैं हमारे दिमाग में हमारा मेन मोटो है कि हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो याद रहनी चाहिए तो इस तरह से आप लोग अपना जो एक खुद का जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ों को आप ऐड करिए जिससे कि आप जब लास्ट टाइम में एग्जाम के एक रिविजन लेंगे क्विक रिवाइज करेंगे उस टाइम पे आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा ठीक है तो ये जो पेंटिंग है ये आंध्र प्रदेश से है इसमें भी देखिए नेचुरल कलर इज यूज एंड दे आर ऑल्सो डन ऑन क्लोथ एज ब्लॉक प्रिंटिंग ये जो कलमकारी पेंटिंग होती थी ये कागज के साथ या दीवारों पर की जाती थी तो इनके साथ साथ ये कपड़ों पे भी ब्लॉक प्रिंट के रूप में की जाती थी कई सारी आप पेंटिंग देखेंगे कि जो पुराने पुराने जो महल हैं वहाँ पर आज भी सुरक्षित रूप से हैं संरक्षित रूप से हैं जिनमें कई बार पानी पड़ गया है वो खराब हो गए हैं लेकिन महलों के अंदर जो है वो प्राकृतिक जो रंग हैं जो नेचुरल कलर्स हैं वो आज भी बिल्कुल सिक्योर्ड कंडीशन में हैं अच्छे से सुरक्षित हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं पड़ा है लेकिन आज का जो हमारा केमिकल वाला जो है उसमें कई सारे केमिकल इस तरह से मिला दिए जाते हैं कि पानी भी गिरता है तो वो खराब नहीं होता है तो ये जो कलमकारी पेंटिंग है इस पेंटिंग की खासियत ये होती है कि ये तो नेचुरल कलर से बना ही होता है शिखा जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग कलमकारी जो पेंटिंग होती है यह जो है ये आंध्रा की है और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है और इन्हें जैसे दीवारों पर लोग बनाते थे उस टाइम पे वो बनाया ही जाता था कागजों वगैरह पे भी बनाया जाता था लेकिन उसके अलावा इसको कपड़ों पे भी किया जाता था और वो किस रूप में किया जाता था ब्लॉक प्रिंट के रूप में किया जाता था तो अभी आगे मैं आप लोगों को पिक्चर शो करती हूँ ये पिक्चर्स आप देखेंगे तो देखिए चित्रकाठी पेंटिंग जो है इसमें ज्यादातर कोई स्टोरी रहती थी जैसे पुराने समय के जो भगवान हैं उन लोगों के बारे में ज्यादातर आप देखेंगे कि स्टोरीज वगैरह होती थी ठीक है तो ये चित्रकाठी पेंटिंग की स्पेशलिटी होती थी और कितना सुंदर दिख रहा है और नेचुरल कलर से ये बनाया जाता था कलर्स भी मैंने आपको बता दिए कि किस किस तरह से कौन कौन से कलर जो हैं वो लाए जाते थे अब देखिए ग्रीन में ही यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दो लेडीज खड़ी हुई हैं वो दोनों ने अलग अलग शेड के ग्रीन पहने हुए हैं उनके शेड अलग अलग हैं एक ने डार्क ग्रीन पहना है एक ने लाइट ग्रीन पहना है तो ये अलग अलग पेड़ के पत्तों को यूज करके अलग अलग तरह का ग्रीन बना लिया तो इस तरह से वो क्या करते थे आ, अलग अलग रंगों को प्रकृति से ही लेते थे ठीक है और उससे बनाते थे कलम कार्य देखिये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सुंदर इसमें भी होती है पेंटिंग तो ये कलमकारी जो है ये भी नेचुरल कलर से होता है तो पहला जो चित्र है चित्रकाठी ये आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और कलमकारी जो है अगर आपसे पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश ठीक है ये आंध्र प्रदेश से ये पेंटिंग जो है हमें मिली है उसके बाद हमने देखा कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसके बारे में हम देख रहे थे कि कलमकारी जो है ब्रश से भी की जाती है और कई जगह हम देखते हैं कि कपड़ों पर ब्लॉक से भी की जाती है तो सबसे पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं जिसमें एक छोटा सा बटुआ बना हुआ है उस पर ब्लॉक प्रिंट करके और ब्लॉक्स भी नीचे रखे हुए हैं किस तरह के होते हैं ब्लॉक वो आप देख सकते हैं ये लकड़ियों के बने होते हैं देखिए इस ये भी नेचुरल चीज़ है ये आजकल आप देखेंगे अगर ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हैं और बहुत ही सुंदर इससे लगता है बनाने में अब तो हम क्या है नेचुरल कलर्स यूज़ नहीं करते हैं बट मैंने भी ये ब्लॉक यूज़ किया हुआ है बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में और आजकल जो है हम इसमें ब्लॉक प्रिंट अगर कपड़ों पे करते हैं तो उसके लिए फैब्रिक कलर का यूज़ करते हैं ठीक है अगर आप पेपर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप जो पेंटिंग के जो कलर आते हैं पोस्टर कलर्स वो यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप कपड़े पे कर रहे हैं तो कपड़ों पर जो कलर होने के लिए आपके फेब्रिक पेंट जो आते हैं वो इसमें आजकल यूज़ किया जाता है और नीचे जो है आपको प्रोसेस भी दिखा रहा है कि किस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है तो ये जो है ये तरीका हो गया कि किस तरह से आ, किया जाता है तो आजकल मशीनों के थ्रू तो बहुत ज़्यादा होने लगा है पहले पहले ये पूरा हाथों से होता था और जब हाथों से हम लगातार ब्लॉक प्रिंट करते हैं तो हाथों में बहुत दर्द भी होता है क्योंकि हमने खुद भी ट्राई किया था बड़े शौक़ से जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारी क्लास होती थी एस की तो जिसमें ये हमको स्कूल में करवाया जाता था तो हम बड़े शौक से करते थे वहाँ स्कूल्स में ब्लॉक प्रोवाइड कराए प्रौ जाते थे और हमको बोला जाता था कि आप कलर्स लेके आइए तो हम कलर्स लेके जाते थे कुछ कपड़ों के टुकड़े ले जाते थे और फिर उस पर ब्लॉक प्रिंट हमें सिखाया जाता था तो ये एक पार्ट था हमारे उस टाइम लाइफ का बहुत अच्छा था अब तो सब कुछ आप नेट में देख लेते हैं पर ये आ, जो बच्चे करते हैं तो वो सचमुच बहुत दिनों तक याद रहता है जो हम खुद अपने हाथों से करते हैं हमको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक पोटैटो है उस पर डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर में आलू जो है उसकी कटिंग करके एक फ्लावर बनाया गया है ये भी एज अ ब्लॉक यूज़ किया जाता है और जिसको जिसके पास मान लीजिए ब्लॉक नहीं है अवेलेबल लकड़ी का तो इस तरह से भी हम टोटली totally हैंडमेड पूरा अपना काम शो कर सकते हैं नीचे जो है एक लेमन यूज़ किया गया है और हाँ जी माही जी का आंसर भी सही आ रहा है बिल्कुल मेहंदी लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है हाँ हाँ तो मेहंदी के लिए ब्लॉक भी आता है और स्टिकर्स भी आते हैं तो ये जो मेहंदी के लिए ब्लॉक होता है यस बिल्कुल सही माही जी राइट तो ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट्स जो बातों को समझें भी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें साथ में हमारे शेयर कर रही हैं थैंक यू माही जी बहुत अच्छा आपने बताया बिल्कुल सही लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम होगा क्योंकि वो मेहंदी ऑलमोस्ट सभी हम गर्ल्स ने लगाई होगी और वो मेहंदी इतनी ख़तरनाक होती है कि शुरू में तो जब रचती है तो बड़ी सुंदर दिखती है लेकिन बाद में हमारी स्किन्स साथ में उसके निकलने लगती है क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स मिले होते हैं तो ये आप सोचिए कि कितना नुकसानदायक है हमारे स्किन के लिए आजकल हम केमिकल कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं है ना और हमारी बॉडी को भी हम हार्म करने से पीछे नहीं हटते तो मैंने एक दो बार लगवाया था वो आ, बड़े शौक से कि अरे एक बार में भी बड़ी ही बड़ी गाढ़ी मेहंदी रच जाएगी बट उससे दिक्कत ये आती है कि वो आपकी स्किन जो है उसको हार्म करती है ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है आज काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल बने रहें क्लास में अगर आप बीच से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो जो हमारी लाइव चल रही है उसमें तो जब ये लाइव खत्म हो जाएगी तो हमारी वीडियो जो रहेगी उसको शुरू से देखिए अच्छा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पोटैटो का दिया हुआ है लेमन का दिया हुआ है क्या आप कोई नेचुरल ब्लॉक और बता सकते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं पेंटिंग के लिए आज का आपका क्वेश्चन भी तो कुछ होना चाहिए तो क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि जैसे हम आलू का यूज कर रहे हैं लेमन का यूज कर रहे हैं और किस चीज़ का यूज हम कर सकते हैं पेंटिंग के लिए थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं आपके आंसर से मुझे भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं तो फटाफट बताइए कि और क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं तब तक मैं थोड़ा आंसर कर देती हूँ मैम कब से स्टार्ट किया टॉपिक सुनील जी देखिए हमारी क्लास तो चल रही है सितंबर मंथ से अगस्त लास्ट से मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट सितंबर से तो बिल्कुल क्लास रेगुलर चल रही है हमारी पिछली वीडियोस आप प्लीज़ देखिए प्लेलिस्ट में देखिए जा करके नहीं नहीं प्लेलिस्ट बनी है शिखा जी और आप हमारे सब्सक्राइब करिए चैनल को फिलअप फॉर्म को उसमें आप वीडियोस में जाइए प्लेलिस्ट में जाइए आपको पूरी मेरी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी हाँ जी तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है भिंडी लेडीज़ फिंगर दैट इज़ राइट आंसर माही जी का आ रहा है लीफ दैट इज़ ऑल्सो राइट वाटर मेलन हाँ ये भी बहुत बड़ा बनेगा लेकिन बनेगा अच्छा इसमें भी यस तो ये ट्राई कर सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं एज अ ब्लॉक और बस सचमुच भिंडी का बहुत अच्छा बनता है लीफ का भी बहुत सुंदर बनता है ये हमने ट्राई किया हुआ है अपने घरों में तो बहुत ही सुंदर जो बी हाइव बनाते हैं ना जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं वो आप बनाइए भिंडी से तो बहुत अच्छा हम बच्चों को करवाया करते थे स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में तो बहुत अच्छा राइट आंसर तो कई लोगों ने आंसर किया है और दैट इज राइट आंसर तो पम्पकिन पम्पकिन कुछ ज़्यादा गीला गीला सा नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा हाँ ये है कि पम्पकिन को आप कटिंग कर सकते हैं तरह तरह के डिज़ाइन उसमें बना करके और फिर ब्लॉक कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आ, आप बना सकते हैं तो कई सारा एग्जाम्पल आप लोगों ने दे दिया हाँ तो थैंक्स फॉर योर एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा है इस तरह से क्लास में जुड़े रहिए बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बराबर आ, हमको आंसर करते रहते हैं तो ये आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा अच्छा भी लग रहा होगा आगे हम बढ़ते हैं मधुबनी पेंटिंग इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को एक बार बता चुकी हूं ये जो आपका प्लांट वाला जो टॉपिक था उसमें भी मधुबनी के बारे में जिक्र किया गया था और इसमें भी आपका एज अ पेंटिंग वाले टॉपिक के अंतर्गत भी ये आ रहा है तो हमारे दो दो टॉपिक से ये बिलोंग कर रहा है मधुबनी पेंटिंग तो इस पेंटिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इट बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ बिहार ये बिहार राज्य से संबंधित है ठीक है तो बिहार में जो है ये पेंटिंग बहुत फेमस है वहाँ के आप स्टेशन वगैरह में कभी जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर वॉल पे आपको और बहुत बड़े साइज की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी बहुत ही सुंदर तो इन दिस पेंटिंग नेचुरल थिंग्स लाइक लीफ फ्लावर एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमंस आर डिपिक्टेड इसमें आप देखेंगे कि इस पेंटिंग में पत्ते फूल जानवर पक्षी इंसान जैसे प्राकृतिक चीजों को दर्शाया गया और इसमें भी स्टोरीज वगैरह बताई जाती है बिहार की फेमस आर्ट है ये यस yes, प्राची जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका नेचुरल कलर इसमें भी यूज़ किया जाता था पुराने समय में अब जो है वो क्या करते हैं हम केमिकल uh, यूज़ कर लेते हैं सेम वही चीज़ इसमें भी अप्लाई किया जाता था जो नेचुरल कलर्स थे कि इंडिगो uh, यूज़ किया जाता था मतलब जो नील होती है वो यूज़ किया जाता था इंडिगो पाउडर एक आता है जो बालों को रंगने के लिए भी काम में लिया जाता है टर्मरिक जो है हल्दी के यूज़ किया जाता है येलो कलर के लिए और नॉर्मल जो फ्लावर्स होते हैं यस yes, फ्लावर को मैंने आपको बताना मैं भूल गई थी तरह तरह के जो अलग अलग कलर के जो फूल होते हैं उन फूलों को भी रंगों के लिए यूज किया जाता है जैसे पलाश के फूल होते हैं वो भी अक्सर होली वगैरह के रंग बनाने में काम में लाए जाते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ पेस्ट ऑफ ग्राइंडेड राइस इज मेड ऑफ फर्दर ग्लोरीफाई द पेंटिंग जो इसमें पिसे हुए चावल हैं वो इसको और एक अच्छा इन्हेंस करता है लुक को और अच्छा बना देता है वो यूज़ किया जाता है वाइट कलर के लिए उसको हाँ और कई बार क्या करते हैं जो चावल पिसे हुए जो चावल होते हैं गीले चावल आ, मतलब उनको चावलों को रात को भिगो दिया जाता है सुबह उसको एक अच्छा फाइन पेस्ट बिल्कुल पतला सा बना लिया जाता है और उसमें हल्दी अगर हम मिला देंगे तो वो पीले रंग के चावल का पेस्ट बन जाएगा नील मिला दिया जाएगा तो वो नीले रंग का तो जो रंग आप डालना चाहते हैं वो डाल करके बना सकते हैं हाँ रोहित जी ने कहा है कि ये मधुबनी स्टेशन पर है यस yes, मैं भी पटना गई हूँ पटना में मैंने भी देखा है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है आ, तो ये बिहार का जो है वो मेन वहाँ की पेंटिंग है मधुबनी जो एरिया है वहाँ का ही नाम से ये मधुबनी आर्ट जो है वो ये फेमस हुआ है ठीक है तो बहुत सुंदर है इसको मिथिला आर्ट भी कहते हैं कन्फ्यूज़ मत होइएगा मिथिला आर्ट और मधुबनी आर्ट जो है वो सेम है ठीक है मधुबनी को ही मिथिला आर्ट भी कहते हैं तो ये दोनों ही सेम है इसमें बहुत सुंदर देखिए नाक नक्श हैं डांस करते हुए दिखाएंगे आपको या एनिमल्स के बारे में दिखाएगा सन बना हुआ होता है क्योंकि जो सन की वहाँ पूजा की जाती है तो सन बना हुआ होता है कई तरह के और भगवान जो हैं वो आ, होता है पलाश से यस पलाश के फूल से ऑरेंज कलर बनता है दैट्स राइट आंसर तो बहुत अच्छा आप लोग साथ साथ आंसर भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं नाइस थिंग बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग साथ साथ बताते भी जाइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है वो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, पाटा पेंटिंग जो है ये उड़ीसा की फेमस पेंटिंग है आप देख सकते हैं जो जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं वहाँ का देखते साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वहाँ की उड़ीसा की पेंटिंग है ठीक है तो जो पाटा पेंटिंग होती है उड़ीसा में ये फेमस होती है और ये भी नेचुरल कलर से बनी होती है फ्रॉम मिनरल्स एंड वेजिटेबल्स भी यूज इसमें कई तरह के मिनरल्स और वेजिटेबल्स भी यूज किए जाते हैं खनिजों का भी प्रयोग किया जाता है पेंटिंग इज डन ऑन द क्लोथ ये मोस्टली किस में बनाए जाते, है? जाते हैं कपड़ों पे बनाए जाते हैं ठीक है इनकी खास बात ये है कि ये जो है इसमें कपड़ों पे ये बनाए जाते हैं पाटा पेंटिंग या उड़ीसा में पाई जाती है खनिजों और सब्जियों के प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है कपड़े पर यह पेंटिंग की जाती है नेक्स्ट पेंटिंग uh, जो है वो है फड़ पेंटिंग फॉर पेंटिंग जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती है आप इतना सुंदर और कलरफुल जो देख रहे हैं बिल्कुल भरा भरा जो रहता है पेंटिंग ये आपको जो है जो राजस्थान का ही दिखाई देगा ओके राजस्थान रोहित जी जो हैं वो मधुबनी से ही हैं तब तो आपके लिए अगर ये टॉपिक आ जाता है तो एक नंबर आपके पक्के हो जाते हैं ठीक है तो देखिए किसी ना किसी राज्य से तो कोई है ही और वहाँ राज्य की कोई ना कोई खासियत है ही तो वहां से अगर प्रश्न आपके लिए आ जाते हैं एग्जाम में तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ये फायदेमंद बात होती है लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि किस राज्य से पूछ लेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब तरह की चीजें आपको बताती चलूँ जो फड़ पेंटिंग होती है ये राजस्थान की आ, फेमस पेंटिंग है और यह भी कपड़े पे की जाती है और वही नेचुरल कलर ही यूज़ किए जाते हैं पुराने समय से यही किए और ये बहुत कई बार कुछ नेचुरल कलर को वो प्रोसेस करते हैं इस तरह से कि वो काफ़ी पक्के रंग होते हैं मैंने वहाँ से बेसिकली राजस्थान से कुछ लोग जो हैं वो कपड़े बेचने आया करते थे तो मैंने उनसे कपड़े लिए हैं वो कपड़े बिल्कुल यूज़ करते करते फट जाते थे लेकिन उनके कलर नहीं निकलते थे आज तक वो कपड़े मेरे पास हैं कई सारे टुकड़े मैंने रखे हैं क्योंकि वहाँ की जो बंधेज वाली जो प्रिंट होती है बांधनी प्रिंट जिसको कहा जाता है बड़ी सुंदर होती है तो ऐसे खासियत है और हर राज्य में कुछ ना कुछ वहाँ की स्पेशलिटी ज़रूर है आप ये नहीं कह सकते कि ये राज्य में ही ज़्यादा खासियत है हर राज्य की अपनी एक खास बात है तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ जाते हैं और ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो और हम थोड़ा जानते हैं अभी तक हमने पेंटिंग के बारे में जाना अब सभी राज्यों में ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग ही हो रही हो है ना और भी बहुत जगह अब जैसे हम देखेंगे कि किसी किसी राज्य में कुछ और चीज़ें भी फेमस हैं तो उन राज्यों के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे ना तो इनके बारे में थोड़ी जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में हम डिटेलिंग करते जाएंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू हम टॉपिक को थोड़ा और डिटेल कर लेंगे तो ऑल ओवर में ये आप लोग का एक नोट आप लोग को मिल जाएगा जो आप लिख के रख सकते हैं वैसे तो आपको नोट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है अब इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर देखिए हर संस्कृति का एक भाग होता है उसका आर्ट संस्कृति की पहचान ही उसके आर्ट से होती है है ना वहाँ की कला से ही उसकी संस्कृति की पहचान है कि भाई ये कितना ज़्यादा मतलब रिच है कितना ज़्यादा भरा पूरा है अपनी संस्कृति में उसमें कितनी सारी कलाएं हैं जो उसको भरपूर के रखती हैं भरी हुई रखती हैं तो इट इज़ अ स्किल एंड नॉलेज विच आर पास्ट डाउन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक जनरेशन से अगर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ चीज़ में महारत हासिल कर रखी है तो वो आगे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको वो देते जाते हैं तो ये जनरेशन टू जनरेशन कई बार काम चलता रहता है जैसे आप देखते होंगे कि कहीं प्रिंटिंग का काम होता है तो वो जनरेशन जो पुरानी जनरेशन थी पूर्वज जो थे वो लोग भी वही काम करते थे तो वो आगे तक उस काम को बढ़ाते हैं कई लोग होते हैं साड़ी के व्यापारी होते हैं तो वो साड़ियों का ही पूरा काम करते आते हैं कई लोग एम्ब्रॉयडरी का काम देखते हैं तो उनका वही काम होता है तो इस तरह से ये पूरा जनरेशन चला आ रहा है कि दादा परदादा लोग जो हैं वो यही काम में थे और आगे तक हम यही काम में आ जा रहे हैं ठीक है सम ऑफ द फेमस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म आर गिवन बिलो हम देखेंगे कि कुछ जो फेमस आर्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे टेंशन की कोई बात नहीं है कि आपको ये इंग्लिश में ही शो कर रहा है आपको सब कुछ हिंदी में भी नेक्स्ट जो मेरा पी है उसमें सॉरी नेक्स्ट जो पी है हमारी उसमें शो हो जाएगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही कोशिश करती हूँ रखने की तो जामदानी एक तरह की साड़ी होता है होती है उसमें बहुत सुंदर काम होता है बारीक काम किया होता है धागों का वो वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है और वेस्ट बंगाल की वैसे भी कपड़े एक से एक वहाँ पे होती है जो बहुत फेमस है बालूचरी वहाँ की साड़ी भी फेमस है जामदानी फेमस है ऐसे वहाँ के काफ़ी अच्छे अच्छे जो कपड़े हैं वो फेमस रहते हैं कॉटन वहाँ का जो तांत की साड़ियाँ होती है बेसिकली वो बहुत फेमस है तो जामदानी जो है वो बहुत फ़ेमस है और ढाका जो है बांग्लादेश वहाँ पे भी यही साड़ी बहुत फ़ेमस है ठीक है आगे बढ़ते हैं पश्मीना और शहतूत ये दो चीज़ें जो हैं ये जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है पश्मीना शॉल होता है एक तरह का और पश्मीना शॉल के बारे में हम आगे ही आज पढ़ेंगे भी तो ये जान के रखिए कि जो पश्मीना शॉल जो है वो जम्मू और कश्मीर से है पटोला जो है ये भी एक तरह की साड़ी का टाइप होता है बहुत सुंदर साड़ी होती है जरी का काम किया हुआ होता है इसमें और ये गुजरात में तैयार होती है और बहुत ही सुंदर साड़ी होती है ये भी पूरा गोल्ड जो धागे होते हैं गोल्डन कलर के उससे इसमें वर्क किया हुआ रहता है अलग अलग कलर्स का भी रहता है पर गोल्डन वाला जो है वो बेस्ट दिखता है बहुत ही सुंदर होता है तो जो लेडीज़ हैं वो बहुत खुश हो रही होंगी तरह तरह की साड़ियों की बात अभी हो रही है तो वो भी सोच रही होंगी कि मेरे वार्ड्रोब में कौन सी साड़ियाँ नहीं हैं तो फिर मैं इनमें से देख कर की वो साड़ी मंगवा लूँ क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं जो गर्ल्स होती हैं उनको ये शौक बहुत रहता है तो उनको जानकारी भी बहुत होती है इस बारे में ये फैक्ट है कि जो हमारे जो जेंट्स मेंबर हैं उनसे लेडीज़ मेंबर को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होंगी बहुत सारी तो अभी मुझे आंसर बहुत सारे बता देंगी फिर है बांधनी डिजाइन जो फेमस है राजस्थान और गुजरात में बहुत ही कलरफुल होता है बहुत ही सुंदर होता है देखने में फिर लखनऊ का चिकनकारी बहुत ही फेमस है जैसे वहाँ की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है जेंट्स के लिए कुर्ते भी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं और उसमें हैंडवर्क किया हुआ होता है ज्यादातर ये वाइट धागे में ही मिलता है बट कई बार हम देखते हैं कि अभी नए जो चलन आ गए हैं उसमें रंगीन धागों का भी यूज किया जा रहा है तो बहुत सुंदर हैं ये सब चीजें बहुत ही प्यारी और यूनिक होती हैं उस जगह की पहचान है ये फिर है मूंगा सिल्क असम की बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही सुंदर साड़ी होती है और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस साड़ी है ये भी और कन्नौज में आप देखेंगे कि परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ है वहाँ की जो परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत फेमस है विश्व प्रसिद्ध है एक्चुअली वो सिर्फ देश भर में क्यों विश्व प्रसिद्ध है फिर कई तरह के डिफरेंट तरह के शॉल्स आप जाएंगे कुल्लू हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ एक से एक आपको शॉल और टोपियाँ वहाँ एक से एक मिल जाएंगी क्योंकि ठंडे प्रदेश हैं तो उनका बेसिकली काम ही यही है क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इन सभी जगहों पर आपको जो मैंने बताया कि टूरिस्ट भी आते हैं तो इनकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती है वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनकी ये कमाई का बहुत अच्छा जरिया होता है एम्ब्रॉयडरी जो है वो जम्मू और कश्मीर की आरी वर्क कहा जाता है बहुत ही सुंदर चेन सी बनी हुई रहती है और एक से एक ड्रेसेस उसकी मिलती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं ये जो सभी जो मैंने नाम बताए इनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है बट इतना सुंदर होता है इनका वर्क जो मतलब उसकी तुलना नहीं हम दे सकते हैं तो ये पहचान दिलाती है उस जगह की तो ये हिंदी में भी मैंने इसको करके रखा है हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जामदानी पश्चिम बंगाल पश्मीना और शहतूत जो है जम्मू कश्मीर पटोला गुजरात चिकनकारी लखनऊ मूंगा सिल्क असम पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश बंदना डिजाइन या बांधनी डिजाइन जिसको कहा जाता है राजस्थान एवं गुजरात इत्र उद्योग कन्नौज शॉल कुल्लू या हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में ही है कुल्लू और तरह तरह की जो कढ़ाई की जाती है ये कढ़ाई वो खाना बनाने वाली कढ़ाई नहीं है वो समझेंगे एम्ब्रॉयडरी वाली है जम्मू और कश्मीर इसके लिए फेमस है क्लियर हो गया यहाँ तक आप सभी को ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ये अलग से इसलिए ऐड किया क्या कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं जहाँ भी आप देखेंगे कि कोई एक सब टॉपिक को लेकर के मैंने अलग से बनाया हुआ है पीपीटी उसका कारण यही है कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो पश्मीना जो है इसके बारे में फटाफट से आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे पश्मीना शॉल इज एज वॉर्म एज सिक्स स्वेटर छः स्वेटर के बराबर ये गर्मी देता है इट इज वेरी थिन एंड वॉम बहुत पतला और बहुत गर्म होता है द गोट फ्रॉम विच ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 थाउजेंड मीटर्स मतलब पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पर एक प्रकार की गोट पाई जाती है ये आप ध्यान रखिएगा अक्सर हमने पढ़ा है जो ऊन है वो भेड़ से मिलता है लेकिन ये एक स्पेशल तरह की गोट होती है बकरी होती है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पश्मीना का जो शॉल बनाया जाता है वो किसके बालों का उपयोग किया जाता है तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए भेड़ भी ऑप्शन होगा शिप भी होगी बट आंसर इस है इसका ये है कि गोट ठीक है एक तरह की बकरी स्पेशल बकरी होती है जो काफ़ी ऊंचाई पर रहती है इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप टू लो एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड कोट ऑफ वॉर्म हेयर ग्रोज जब बहुत टेम्परेचर डाउन होता है तो इनके ऊपर एक अलग से क्या हो जाती है ग्रो हो जाती है बालों की जो ग्रोथ है ठीक है और वो क्या करती है उनको एक्सट्रीम जो कोल्ड होता है उसमें जीने के लिए उनको सहारा देती है बचाती है उनको ठंड से द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर और क्या होता है कि गर्मी आते आते उनके बहुत सारे जो वो बाल एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होते हैं ठंड के वक्त उनको रक्षा करने के लिए वो झड़ जाते हैं दिस हेयर इज सो फाइन दैट सिक्स ऑफ दिस वुड बी एज एज वन हेयर ऑफ आवर ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एक बाल होता है इन बकरियों के जो बाल होते हैं उनके छह बालों को जब मिलाया जाएगा तो हमारे एक बाल तैयार होंगे ठीक है द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवेन इतना फाइन होता है इतना पतला होता है इनका जो बाल होता है कि इसको जो बुनाई होती है वो भी बहुत कठिन होती है जिसके कारण क्या होता है इसकी हाथ से ही बुनाई होती है मशीन से बुन नहीं सकते द फाइन हेयर के नॉट बी वुवेन ऑन मशीन ये मशीन से बुनाई नहीं हो सकती सो वीवर इन कश्मीर जो बुनकार होते हैं कश्मीर में बुनने वाले वो क्या करते हैं इसको अपने हाथों से बुनते हैं कश्मीर मेड दिस शॉल बाय हैंड अब आप सोचिए कि हाथ से बुनेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा है ना दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ये एक बहुत लंबा समय लेने वाला और कठिन डिफ़िकल्ट मतलब कठिन ये एक ऐसा प्रोसेस है ये ऐसी प्रक्रिया है जो काफ़ी समय भी लेती है और काफ़ी कठिन भी है मतलब इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी हम जैसे लोग अगर बुनने जाएंगे तो वो टूट जाएगी क्योंकि हमें किस में आदत है वुल में बुनाई करने की आदत है लेकिन ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार कारीगर हैं तो ये उसी तरह से इसकी बुनाई करते हैं आफ्टर ऑलमोस्ट टू फिफ्टी आवर्स दो सौ पचास घंटे की विविंग के बाद एक प्लेन पश्मीना तैयार होता है सिंपल ठीक है जिसमें कि कोई ज़्यादा डिजाइंस uh, नहीं होते मोटिव्स नहीं होते हैं तो एक बार हिंदी में इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि विश्व प्रसिद्ध पश्मीना इसमें से क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखिएगा जरूर पढ़िएगा ये टॉपिक ठीक है पश्मीना शॉल छह स्वेटर की तरह गर्म होते हैं यह बहुत पतला और गर्म होता है जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्रित की जाती है वे पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर होती है तो ठंड भी वहां ज्यादा होगी सर्दियों में तापमान कम से कम 40 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है मतलब माइनस की बात की जा रही है 40 गर्मी वाली मत बात करिएगा क्योंकि ये माइनस फोर्टी की बात हो रही है जब सेल्सियस तक गिर जाता है बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगता है मतलब बहुत सारे नए बाल उगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए है ना जो उसे अत्यधिक ठंड से बचा लेता है बकरी गर्मियों में कुछ बाल इनके छढ़ जाते हैं यह बाल इतने महीन हैं कि इनमें से बाल मिलाने पर हमारे एक बाल जितने मोटे होंगे। महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते इसलिए कश्मीर के बुनकरों ने इन शॉलों को हाथों से बनाया यह लंबी और कठिन प्रक्रिया है लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादा पश्मीना शॉल तैयार होती है इसलिए यह काफी कॉस्टली भी होती है ठीक है क्लियर हो गया अभी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे ठीक है और हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है स्पेशल ड्रेसेस बहुत मज़ा आ रहा होगा ये आज गर्ल्स स्पेशल आज है गर्ल्स को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत पता भी होगा इसके बारे में है ना थोड़ा सा जेंट्स लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या ड्रेसेस होती हैं और जो ड्रेसेस हैं ये वुमेन का ड्रेसेस मैं बता रही हूँ मेंस का तो वही कुर्ता पजामा धोती यही रहते हैं ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं और फिरन जो है कश्मीर में जो है वो जेंट्स भी पहनते हैं लेडीज़ भी पहनती हैं तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी आगे तो मुंडम नेरियाथुम करके जो है वो केरल का एक ड्रेस होता है तो वहाँ बहुत फेमस है और वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है फिर है मेखला चादर मेखला चादर जो है वो असम से बिलोंग करता है वो ये भी एक साड़ी होती है जैसे एक सिंपल साड़ी आप देखेंगे कि एक लंबी साड़ी रहेगी साढ़े पाँच मीटर की बट मेखला चादर जो होती है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है उसको कमर पे अलग बांधा जाता है और अपने शोल्डर से रख करके और कमर तक हम उसको अलग से जॉइंट करके फिर पहनते हैं तो ये बड़ी सुंदर साड़ी होती है इसको मैंने देखा है और ये एक डिफरेंट टाइप की साड़ी है जो और मुझे तो कहीं देखने नहीं मिली तो ये कई लोगों को मैंने ये पहने हुए देखा है जो असम की साड़ी है मेखला चादर बहुत सुंदर साड़ी होती है और सलवार कमीज़ जो होती है वो हरियाणा पंजाब पश्चिमी यूपी हिमाचल प्रदेश ये नॉर्मली हम सभी पहनने लगे हैं आजकल और इसको सब जानते ही ईजी कि कैसा होता है ये ड्रेस फिरन जो होती है ये एक वुलन टाइप का जैसे शॉल के जो कपड़े होते हैं ना जो नॉर्मली शॉल हम यूज़ करते हैं सर्दियों में उन्हीं कपड़ों से फिरन बनी हुई होती है जिसके सामने में गले के पास बहुत सुंदर वर्क किया हुआ होता है कभी कभी पूरा ऊपर से नीचे तक भी वर्क मिलता है और बहुत सुंदर इसकी भी डिज़ाइन होती है डिफरेंट कलर्स में ये मिलता है और बहुत गर्म करता है ये भी ये मतलब यहाँ अगर कम ठंड पड़ रही है हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर मान लो कम ठंड पड़ रही है हमने इसको पहन लिया तो पसीने आने लगते हैं ये काफ़ी गर्म करने वाला और बहुत लंबे समय तक चलने वाला कपड़ा होता है ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है मतलब इसको आप हर ठंड में निकालिए दो तीन महीने लगातार पहनिए रख दीजिए दस से पंद्रह साल ये आपके खराब भी नहीं होता है इतना अच्छा कपड़ा इसका होता है और कलर भी इसके जल्दी ख़राब नहीं होते हैं बहुत सुंदर वर्क इसमें किया हुआ होता है जो हाथों से किया जाता है बहुत ही प्यारा कपड़ा होता है ये भी और ये कुर्ते की तरह होता है जैसे कि लॉन्ग कुर्ता हम पहनते हैं ये जेंट्स और लेडीज दोनों ही पहनते हैं कश्मीर के फिर है घाघरा चोली ये सभी जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात में जो है वो फेमस है और अनार, अनारकली सलवार सूट जो होता है जिसमें लंबे घेरे होते हैं ये उत्तर प्रदेश का ही है नॉर्थ का ही है क्योंकि जो नॉर्थ का जो डांस फॉर्म है जो कथक उसमें ज्यादातर अनारकली ड्रेस ही पहना जाता है है ना तो ये तो अब प्रचलन में आ गया है बहुत सारा फैशन में आ गया है इस तरह का ड्रेस तो ये जो मेन लिया गया है ये कत्थक जो डांसर्स होते हैं उनको आप देख सकते हैं कि आ, उनका काफ़ी घेरदार जो है वो फ्रॉक की तरह रहता है और नीचे उनके टाइट पजामा चूड़ीदार पजामा होता है तो ये हो गया अनारकली सलवार सूट तो ये उत्तर भारत से बेसिकली आया हुआ है तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा टॉपिक भी ऑलमोस्ट आज कम्प्लीट हो गया है आप लोगों को अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है मैं खुश हो जाती हूँ और मेरा जो जोश है वो बढ़ जाता है और लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं बस यही बात होती है थोड़ा सेल्फिश हूँ इस मामले में इसलिए आप लोगों से एक लाइक like की डिमांड करती हूँ तो आगे थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट हैं नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि जो आज ही हमारे साथ जुड़े हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए हम तो आधे से देखे हैं हमने तो आधे से क्लास ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि चैनल को आप फिलअप फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब करने पर आप जब अंदर उसके जाएंगे चैनल के तो आप देखेंगे कि वीडियोस और प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी वीडियोस अगर आप देखते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो दिखाई देंगे नेट की भी पढ़ाई चलती है सी की भी चलती है सारा कुछ आपको मिल जाएगा और अगर आप प्ले में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप हिंदी का देख सकते हैं प्लेलिस्ट आपको इंग्लिश की पढ़नी है इंग्लिश का देखिए तो इस तरह से क्या होगा आपको फायदा होगा कि आप हिंदी इंग्लिश मैथ्स ई वी सी जिसकी भी क्लास आपको देखनी है सबके उसमें प्ले बने हुए हैं तो आप इजीली उसमें क्लास देख सकते हैं अगर आपने बीच में क्लास ज्वाइन करी है लाइव हमारी अभी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में उसके थोड़ी देर बाद वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप फिर उसी को क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो दिखाई देने लग जाएगी और उस वीडियो को आप जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और जो हमारी टेलीग्राम की लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप में आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आपको डेली अपडेट्स भी वहाँ मिल जाएंगे सी की जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो भी उसमें आपको पेज शो किया हुआ है आप लोग जरूर टेलीग्राम पर एक बार चेक करें मैं देखती हूँ कि टेलीग्राम पर चार पाँच बच्चे ही देखते हैं क्यों नहीं आप लोग चेक कर रहे हैं आप लोग को सब कुछ उसमें दिया जाता है जो मेरी क्लास की लिंक है वो भी आपको दे दी जाती है वहाँ पे और आपको जो ये नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिटेल वहाँ पे जो पेज है वो पेज ही उसमें सेंड कर दिया गया है ठीक है तो ये आप जरूर देख लीजिए थैंक्स टू ऑल क्लासेस अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से रोज़ मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी कारण से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप बाद में वीडियोज़ देख सकते हैं ठीक है गुड बाय टेक केयर और कल फिर मिलते हैं हमारी क्लास जो हमारा ये पार्ट टू रहेगा थिंग्स वी मेक एंड डू इसको हम कल देखेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फिलअप फॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना होगा और रेगुलर क्लास